Hi guys, today I show you how to repair the memory card and USB. मतलब कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से memory card USB को ठीक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मेरे पास USB है जो खराब है, क्रैक हो चुकी है। इसे मैं फॉरमेंट भी करता हूँ तो ये ठीक नहीं होती। USB memory card कैसे खराब होता है? जब भी हम किसी के कंप्यूटर पे या मोबाइल पे दूसरे अदर मतलब काफ़ी तरह के मोबाइल पे अटैच करते तो वायरस आ जाता है जिसके मेमोरी कार्ड भी करप्ट हो जाती है और यूएसबी भी करप्ट हो जाती है। ये प्रोसेसर इसका ऐसे ही लगा रहेगा फॉर्मेट पर, ये फॉर्मेट नहीं होता, हम कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए ये नॉन रिस्पॉन्सिबल दे रहा है, हम क्लोज करते हैं। अब बात आती है कि हमने इसको कैसे ठीक करना है। आपको कीबोर्ड पे विंडो प्लस आठ दबाएंगे तो आपको ये रन ओपन हो जाएगा। रन ओपन हो चुका है, आपने फिर इस पर टाइप करनी है CMD, फिर आपने इसको ओपन करना या फिर एंटर करेंगे तो आपको ये कमांड वाला पेज ओपन हो जाएगा। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं इजीली, आपने ये विंडो को प्रेस करना है और कमांड आपको नज़र आ रही होगी। अगर नहीं नज़र आ रही तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं कमांड, फिर आपने इसको राइट क्लिक कर SS मिनिस्टर पे क्लिक करना है तो आपको ये इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपने इस पर काफ़ी तरह की कमांड यूज़ करनी है, जैसे कि अब मैं फर्स्ट कमांड यूज़ कर रहा हूँ। आपका डिस्क का मसला है तो मैं डिस्क की कमांड यूज़ करूँगा, डिस्क पार्ट लिखेंगे, डिस्क पार्ट। कोई गैप नहीं देना आपने इस कमांड में। फिर आपने एंटर करना है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की हार्ड डिस्क वर्जन ओपन हो जाएंगे। फिर आपने सेकंड कमांड जो यूज़ करनी है वो ये है कि आपने देखने की कितनी हार्डें लगी हुई है, कितनी पार्टीशन ग्रेडेड हुई हुई है, तो आपने लिखना है लिस्ट डिस्क, लिस्ट गैप देकर डिस्क। फिर आपने एंटर करना है तो ये देखें शो हो रही है मेरी एक कंप्यूटर पे लगी हुई है 150 GB की डिस्क जीरो है, जो मेरे कंप्यूटर की है 150 GB, और जो मैंने USB अटैच की है डिस्क वन ऑनलाइन 14 GB, ये मेरी 16 GB की USB है जो ख़राब हो चुकी है, इसे मैंने ठीक करना है। तो आप इसको अगर आपकी ज़्यादा हार्ड लगी हुई है, अगर कोई भी नंबर आ रहा है अपने वो नंबर लेकर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ सेलेक्ट डिस्क, अगर आपकी जो सी भी हार्ड खराब है आपने उसका नंबर लिखना है। मेरी हार्ड नंबर 1 खराब है, मतलब मेमोरी कार्ड USB जो भी आपका है वो खराब है, आपने 1 लिखना है। 1 मतलब कि आपका जो भी नंबर शो हो रहा है आपने वो लिखना है। फिर आपने एंटर करना है, ये देखिए ये सिलेक्टेड हो चुकी है। फिर आपने कमांड यूज़ करनी है क्लीन, इससे यह होगा कि आपका सारा वायरस क्लीन हो जाएगा। आपने थोड़ी देर इंतज़ार करना है, ये देखिए ये डिस्क क्लीन हो चुकी है। फिर आपने कमांड यूज़ करनी है क्रिएट द पार्टीशन प्राइमरी, आपने ये कमांड यहाँ लिखनी है, मतलब कि आपने इस मेमोरी कार्ड को दोबारा बनाना है, दोबारा क्रिएट करना है, इसकी पार्टीशन बनानी पड़ेगी CRDAD क्रिएट पार्टीशन PARTI पार्टीशन प्राइमरी। फिर आपने एंटर करना है। ये मेरा मेमोरी कार्ड को थोड़ी देर प्रोसेसर लगेगा, 0% है, 0% से शुरू होगा और 100% में जाकर ख़त्म होगा। काफ़ी देर लग जाती है मेमोरी कार्ड को ठीक होने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन है इसको प्रेस कीजिए, मुझे सब्सक्राइब करें। या फिर फेसबुक पर मेरा पेज है जिस पर मैं अपनी ट्यूटोरियल पोस्ट करता रहता हूँ। मेरे पेज का नाम है उसामा सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
और आपको मैं अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि आप अपने मेमोरी कार्ड को 2 GB से 4 GB, 4 GB से 8 GB, 8 GB से 16 GB और 16 GB से 32 GB कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।